والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء إلا الإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ जानो दिल से गुलामे मोहम्मद, हुआ है न होगा मुयस्सर किसी को बुलंद इस कदर मुकामे मोहम्मद। वाजिबुल एहतराम वल इकराम, दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों, काबिल एहतराम इज्जत लायक मुअज्जज़ात, इस्लामी रूहानी माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम्दो सना सिर्फ अल्लाह वास्ते, जेड़ा अपनी उलोहियत रबूबियत और सिफात दे अंदर तनहा बेमिसाल और वहदहु ला शरीक। दरूदो सलाम मुअल्लिम आज़म इमाम आज़म कायद आज़म जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस, कि जिन्हां ने अपने सिहाबा नू रब दे कुरान दी तालीम दित्ती, हिकमत सिखाई और उन्हां दा तज़किया फरमाया। रब्बुल आलमीन दी मगफरत और रज़ा उन्हां पाक बाज़ हस्तियां वास्ते, कि जिन्हां ने इस्लाम दे रस्ते दे अंदर अपनी जान और माल, अपने बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिता। अज़ीज़ दोस्तों, तुसा अहबाब दे सामने अल्लाह दा कुरान और सूरत रहमान दी एक आयत करीमा तिलावत कीती है। एदे अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जो सानू सबक दे रहे ने, वो है नेकी दा बदला नेकी ही होया करदा। लेकिन अफसोस दी बात है वे साडे मुआशरे विच बाज हलकियां दे अंदर एक कहावत, एक लफ्ज़, एक फिकरा बड़ी ही शोहरत पकड़ गया है। वो ए वे कि यार नेकी दा दौर कोई नहीं, नेकी दा जमाना नहीं। अजीज भाइयो, अगर ए नेकी दा दौर नहीं तो फिर नेकी दा दौर कदों आएगा? अल्लाह पाक ने सानू दुनिया के अंदर भेजा कादे वास्ते? नेकियां करन वास्ते। मरण तो बाद जजाए या सजाए, अगर चंगे अमल होणगे ते उन्दी चंगी जजा, अगर बुरे अमल होणगे ते उन्दी सजा। अजीज दोस्तों, असा एनिया को नेकियां करनियां ने कि इस जुमले दा रद्द होए, साडे खिलाफ बड़ी गहरी साजिश कीती गई है कि नेकी दा दौर नहीं। इस फिक्रे ने साडे खून सफेद कर दिते, साडे दिलां विचों हमदर्दी खत्म कर दिती। मिसाल दी तौर ते कोई मजबूर बंदा किसी साहिब हैसीयत बंदे कोलों कुछ पैसे मंगदा है कि यार अल्लाह पाक ने तैनू बड़ी दौलत दिती, मैं मजबूर हाँ, मैनू इन्ने पैसों की जरूरत है तो मैं तैनू जल्दी पैसे वापस कर देंगा।
हूँ पैसे देन लगे हैं। एक बार असा जरूर सोचना है कि यार पैसे दे ते देने हैं, पता नहीं ये वापस करेगा या नहीं। वो छड्डो जी, नेकी दा दौर ही नहीं, क्यों भी इस तरह है कि नहीं। अगर कोई बंदा कवे यार चलो इस तरह कर लो कि फलां चीज़ बाज़ार के अंदर मार्केट के अंदर 50,000 की आ रही है, वो तुसी मैनू चीज़ खरीद दियो, मैं वो वेच के ते तुहानू 50,000 के बजाय 60,000 या 70,000 दे देंगा। हुण असा एक बारी सोचना है कि यार ये अंदर सानू फायदा हो रहा है, हुण असा उहनू चीज़ खरीद के भी लैके देनी है ते नाल अपनी नेकी भी जतलानी है। फिर असं आखेंगे यार कोई नहीं, गरीब बंदा सी, चलो नेकी कर दे। लेकिन एक बात याद रखो, मुसनद अहमद की हदीस है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा किसी मजबूर नू कर्जा देंदा है कर्जे हसना, कर्जे हसना का मतलब वो कर्जा जिदे अंदर कोई बंदे नू फायदा ना होए, अल्लाह की रजा वास्ते दिता जाए। कोई बंदा किसी नू कर्जा देंदा है, पाक पैगंबर ने फरमाया है अगे लैन वाला वो मकरूज बंदा, कर्जा लैन वाला बंदा जिन्नी देर तक वो कर्जा वापस नहीं ना करदा, अल्लाह पाक उस कर्जा देन वाले बंदे नू रोज़ाना जिन्ना उन्हें कर्जा दिता अल्लाह पाक उन्दे बराबर सदका करन दा सवाब अता करदे रहिंदे ने। ए जे कर्जे हसना। और अगर लिमिट पूरी हो गई, वो बंदा आंदा यार मेरे को पैसे नहीं बन सके, कुछ मोहलत दो। हुण एक कर्जा देन वाला बंदा उन्हूं मोहलत देंदा है, जिन्ने दिन मोहलत देंदा है आपने फरमाया उन्ने दिन रोज़ाना अल्लाह पाक इस कर्जा देन वाले बंदे नूं उस कर्ज दे बदले डबल सदके दा सवाब अता करदे रहिंदे ने। ए जे नेकी, अल्लाह पाक ने सानू ये जिंदगी दीती है, नेकियां कर लो, मौत दा कोई पता नहीं, मौत साढ़े सराने खलोती। आओ जरा अल्लाह पाक इस बात का ऐलान फरमा रहे ने कुरान पाक के अंदर। अल्लाह फरमाते ने हल जजा उल एहसानी इल्लल एहसान, नेकी दा बदला नेकी ही होया करदा। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहि सलातो वसलाम सारी जिंदगी नमरूदियां दे नाल लड़दियां गुजर गए, जवानियां जेड़ियां ने अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार करदियां गुजर गईयां। हुण जदों बुढ़ापा आ जांदा अल्लाह फरमांदे ने मेरे खलील हुण इंज करो, इराक नूं छड़ दियो ते मुल्के शाम हिजरत कर जाओ। मुल्के शाम बड़ा बाबरकत इलाका है जिदे बारे अल्लाह पाक अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने। फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह पाक
पाक ने मस्जिद अक्सा का जेड़ा इर्दा गिर्द है उन्हों बड़ा बाबरकत बना दिता है। हुण जनाब खलील रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी माई सारा सलामुल्लाह अलैहा इन्हां नूं नाल लिया और मुल्क शाम वल हिजरत करके जा रहे ने ते रस्ते दे अंदर मिस्र दा मुल्क है। इस मुल्क दा जेड़ा बादशाह ये बड़ा जानी ते हवस परस्त किस्म दा इंसान है। जदों इस मुल्क दे अंदर पहुँचे बार्डर ते जेड़े फौजी या कोई रेंजर दे अहलेकार तैनात किए ने इन्होंने जदों वेखे कि बड़ा खूबसूरत जोड़ा जा रहा है इन्होंने फौरन बादशाह नूं इतला दी है ते बादशाह ने आख्या इन्हों मेरे दरबार के अंदर पेश कर दिता जाए। हुण जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम माई सारा सलामुल्लाह अलैहा इन्हां दोनों नूं उस जानी बादशाह के दरबार के अंदर पेश कर दिता जाता है। हज़रत इब्राहिम अलग कमरे के अंदर माई साहबा अलग कमरे के अंदर हुण जिहड़ा बादशाह ये माई साहबा के कमरे के अंदर बुरी सोच बुरी नीयत लैके दाखिल होया। जदों माई साहबा ने बादशाह के तेवर वेखे फौरन अल्लाह अगे दुआ कर दिया ने ऐ अरशा वाले मालका तू ते जानना मैं तेरे नबी इब्राहिम की बीवी हाँ मैं सारी जिंदगी ओदिया अमानत के अंदर कदी खयानत कोई नहीं की या अल्लाह अज मैं कमरे के अंदर बंद हाँ मजबूर हाँ फला तू सलित अलैया हाजल काफिर या अल्लाह इस काफर नू मेरे ते मुसलत ना करी। माई साहबा ने दुआ कर दी ते इधर बादशाह जेड़ा जमीन ते डिग पैंदा जिस तरह बंदे नू फालज हुंदा है ये जमीन ते अपनियां एड़ियां रगड़नियां शुरू कर देंदा है। माई साहबा ने अगे वध के वेखिया कि किधरे मर ते नहीं गया फिर दुआ कर दिया ने या अल्लाह ये मरना नहीं चाहिदा वरना इहदा खून जेड़ा वह मेरे सिर पै जाएगा कि मैं इनू मार दिता है। दुआ की बादशाह फिर ठीक हो गया फिर इन्हें माई साहबा की इज्जत हमला करन की कोशिश की फिर जमीन ते जा डिगा तीन बार इन्हें माई साहबा की आबरू ते हमला करन की कोशिश की अल्लाह पाक ने तीन बार चुक के जमीन ते लिया सुटे है। वेखो ना जड़ी नेक बीबी होए ना नेक अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करन वाली बीबी अल्लाह पाक ऐसी औरत की इज्जत बंद कमरे के अंदर भी महफूज रख दें ते जड़ी हो गई है इस तरह की जगह जगह अपनी इज्जत नैलाम करती फिरे जगह जगह मुँह मारती फिरे ऐसी औरतों नू की परवाह। अल्लाह पाक ने माई सारा सलामुल्लाह अलैहा इन्हां दी इज्जत नू बचाया ते हुण बादशाह ना डर जांदा है उन्हें अपने बंदे बुलाए कहन लग्या यार इनू लै जाओ मेरे कोल ये मैनू इंसान नहीं लगती कोई जिननी मालूम हुंदी है जिननी क्योंकि मिस्र दे अंदर ना जादू जेड़ा ये बड़ा अरूज ते सी ते जादू जिन्नात दे जरिए हुंदा है ते मिस्र दे जेड़े लोग सन ना जिन्नात दी बड़ी तजीम करदे सी। हज़रत मूसा और जादूगरां दा मुकाबला फिरौन ने मिस्र दे अंदर ही करवाया सी ना बाद लोग ते जिन्नात दी पूजा भी करदे सी। उन बादशाह जेड़ा उन्हें समझिया कोई जिननी है उन बादशाह ने माई साहबा की इज्जत करदे होया तजीम करदे होया अपनी लौंडी या बेटी ये जनाब तोहफे के अंदर दे दी है। उन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माई सारा और माई हाजरा ये तीनों जाके फलस्तीन के अंदर आबाद हो जाते हैं। हज़रत इब्राहिम की 85 साल उम्र हो चुकी है तो रब अगे दुआवां करते रहते हैं। एक दिन तनहाई के अंदर रो रो के रब अगे दुआ करते ने ते दुआ की करते ने फरमाया रब्बे हबली मिन सालिहीन या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा
जदों भी अल्लाह के दुआ करनी है ना, नेक औलाद दी करनी, नेक औलाद दी दुआ करनी है। बुरी औलाद नालों तो बंदा वैसे ही चंगा है। अल्लाह ना करे कि कोई बुरा बारू पेश पै जाए, अल्लाह ना करे कि कोई बुरा घरों जम पवे। अगर घर के अंदर एक भी बुरा जम पवे, खुदा की कसम खानदान तबाह करके रख देता। जदू औलाद की दुआ करनी है नेक, दुआ कर देने रब्बे हबले मिन सालिहीन, या अल्लाह नेक बेटा अता फरमा। हुण माई सारा ने हज़रत इब्राहिम की दुआ सुन लईए कि किस कदर रो के गिड़गड़ा के रब अगे दुआ करते ने। हुण माई साहबा ने सोचा चलो मेरे बिचू औलाद नहीं होंदी, मैं अपनी लौंडी हाजरा दे नाल अपने खावन का निकाह कर देनी आ, हो सकता उनके बिचू अल्लाह पाक औलाद दे छड़े, मेरा खावन दुनिया तो बे औलादा ना जाए। हुण वेखो माई साहबा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल नेकी कीती कि नहीं, इस तो वड्डी नेकी की हो सकती। ये तो जिहड़ियां नेक औरतां हुण ना जिन्हां नूं आखरत दी फिक्र होए, इस किस्म दीआं गल्लां ओह सोचदियां ने, वरना अक्सर आंदियां ने बे औलादा मर जा, दूसरी शादी नहीं करन देनी। आंदियां ने अल्लाह पाक हाजरा दे विच्चू पुत्तर दे देवेगा। हुण माई साहबा ने अपने हत्थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा निकाह माई हाजरा दे नाल कर दिता। फिर अल्लाह पाक ने दुआ भी कबूल फरमाई, नेक बेटे दी दुआ मंगी, अल्लाह ने नेक बेटा अता फरमाया। कैसा बेटा? फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाते ने असा फिर बुरदबार बेटा अता फरमाया, तहम्मुल मजाज बेटा, बुरदबार तहम्मुल मजाज नेक बेटा। ऐसा बेटा नहीं कि प्यो की गल अजे पूरी नहीं हुई तो पुत्र पहले ही उखड़ी कुहाड़ी अंगर पै गया, ऐसा नहीं। तहम्मल मजाज नेक, ऐसा नेक बेटा। फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फन्ज़ुर माज़ा तरा। मेरे बेटे मैं तेनू ख्वाब दे अंदर अल्लाह दे रस्ते दे अंदर ज़िबा कर रहा वा, तेरा की ख्याल है, तेरा की इरादा है? अगे पुत्र भी तहम्मल मजाज पुत्र की जवाब देंदा, आंदा या अब तिफअल मा तो उमर। अब्बा जी तुहानू जेड़ा हुक्म मिलिया कर गुजरो। अल्लाहु अकबर, ऐसा नेक बेटा। हुण अल्लाह पाक ने बेटा अता कर दिता, ते कुदरती बात है पिछले वरे अल्लाह औलाद दवे ते औलाद नाल बंदे नूं मुहब्बत कोई अनोखी किस्म दी हो जांदी। बेटा दिता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा झुकाओ बेटे वल माई हाजरा वल ज़्यादा हो गया। ते माई सारा सलामुल्लाह अलैहा जदों उन्होंने वेख्या आंदियां ने कि मैं निकाह कीता औलाद वास्ते अपने खावन दा हाजरा दे नाल, हुण मेरे खावन दा झुकाओ उधर ज़्यादा हो गया। औरत महसूस करती है ना, आंदियां ने चलो कोई बात कोई नहीं, लेकिन अल्लाह पाक नू ए बात पसंद नहीं आई। अल्लाह फरमाते ने मेरे इब्राहिम ते जड़ी तेरी बीवी सारा है, ए तेरी बड़ी वफादार बीवी है, इन्हें तेरे नाल वफावां दी आखीर कर दिती है, तू हुण इंज कर अपने बेटे इस्माईल ते अपनी बीवी हाजरा नू उत्थे छड़िया जिथे मेरा घर बैतुल्ला मौजूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा हुक्म दी तमील करदे होया अपनी बीवी ते बेटे नूं लिया मक्के दे अंदर। बैतुल्ला ते उस वक्त कोई नहीं सी, बैतुल्ला दियां जिहड़ियां बुनियादां दे नामो निशान मिट चुके सन, उत्थे सिर्फ सुरख रंग दा एक टीला सी।
जिथे अजकल ऐ जमजम दा खूह है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे नूं उत्थे एक छोटा जिहा दरख्त बिठा के वापस तुर पैंदे ने ते माई हाजरा पिछे दौड़दियां हुईयां आ रहियां ने और पुछदियां जा रहियां ने कि ऐ अल्लाह दे खलील जी सानू इस वीरान बेआबा जगह ते क्यों छड़ के जा रहे हो। ये पिछे पिछे दौड़दियां आ रहियां ने उस जगह तो लैके जन्नतुल मुअल्ला तक पिछे दौड़दियां गईयां। हाजी लोग जानते ने जिथे जमजम का खूह है ना उतों इंज मशरक वाले पासे जन्नतुल मुअल्ला मुसलमान कब्रस्तान है जन्नतुल मुअल्ला। ये तकरीबन कोई फासला बनेगा दो या तीन मुरबियां का। मई हाजरा तीन मुरबे पिछे दौड़ दिया आईया आंदियां ने अल्लाह दे खलील जी आ अल्लाहु भी अमारा कहाजा। अल्लाह दे खलील जी कोई साढ़े कोलो कसूर हो गया है या अल्लाह दा हुक्म ही जा गया है। ते अल्लाह दे खलील आंदे ने इन अल्लाह अमरनी ए हाजरा अल्लाह दा हुक्म ही जा गया है। जदू माई हाजरा ने सुनिया कि अल्लाह दा हुक्म है वेखो कैसे हौसले वाली औरत है ते की आंदियां ने इन्ना गोला युज़ैउना अल्लाह दे खलील जी तुसी बेफिक्र हो के चले जाओ अल्लाह सानू कदी भी जाया नहीं करेगा। अल्लाह सानू जाया नहीं करेगा। और नाल पढ़ दिया ने हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। ए जेड़ा विरद ए पढ़ दिया ने और अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने ओ लोगो कसरत दे नाल ए विरद पढ़िया करो हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। साढ़े वास्ते अल्लाह ही काफ़ी है ओही साडा कारसाज है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने जदू हज़रत इब्राहिम नू अग दे अंदर सुटिया जान लगे उस वक्त हज़रत इब्राहिम ने पढ़िया सी हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। जदू जंगे ओहदे अंदर सिहाबा ते परेशानी आई उस वक्त सिहाबा ने भी यही विरद पढ़िया हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। और जदू अम्मी ऐशा सदीका रजी अल्लाह ताला अनहाते तोमता लगियां अल्जाम तराशियां होईयां अम्मा जी फरमांदियां ने मैं उन्हां दिनां दे अंदर कसरत नाल ए पढ़िया कर दे हसबुनल्लाहु व निअमल वकील। और मुफस्सरीन ने लिखे है कि जेड़ा बंदा अल्लाह ते तवक्कल करदे होया पूरे यकीन दे नाल जेड़ी चीज ते इन्हां लफ्ज़ां दा ए विरद करेगा अल्लाह पाक उस चीज नूं भी सोना बना देवेगा। हुण वापस आ गए माई साहबा वापस अपने बच्चे को आईया। शाम का वक्त होया जदों रात पैंदी है ते हर पासू जंगली दरिंदियां दियां आवाज़ां आउण लग जांदियां ने। किसे पासू जनाब गिदड़ां दी आवाज़ां किसे पासू पगियाड़ां दियां आवाज़ां आ रहियां ने ते माई साहबा ने अपना वह बच्चा जमीन ते रखिया इंज हथ दे अंदर सोटी फड़ के जंगल दे दरिंदियां नूं ऐलान कर दियां ने ओ जंगल दे ओ दरिंदे ओ तुहानूं पता नहीं मैं कोई आम औरत नहीं मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी हाँ और इस्माईल दी मावां। मुफस्सरीन और मुअर्रखीन ने लिखे है जदों माई हाजरा ने बुलंद आवाज़ दे नाल जंगली दरिंदियां नूं मुखातब कीता है हर पासे खामोशी छा जांदी है हर पासे सन्नाटा छा जांदा है। बल्कि जिहड़े जंगल दे दरिंदे ने जदों रात पैंदी रोज़ाना इंज पहाड़ां दियां चोटियां ते आके बह जांदे और अपने जुबाने हाल दे नाल आखिया कर दे हाजरा तू ते समझ नहीं है कि असा इस्माईल नू खा जाना है असी इस्माईल नू खान वास्ते नहीं बल्कि इंदी पैरेदारी वास्ते आए। हुण उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन चले गए
वक्त गुजरता गया गुजरता गया। एक दिन ना अल्लाह दे फरिश्ते इंसानी शक्ल दे अंदर आए, अल्लाह दे कुरान ने नक्शा खिंचया। मैं गल उत्थे लैके आ रहा वा कि नेकी दा बदला नेकी ही होया करदा। अल्लाह दा कुरान फरमाया वाला कद जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा कालू सलामा। फरिश्ते इंसानी शक्ल दे अंदर आए, आके सलाम कीता, आंदे ने असा तुहाडे मेहमान आ। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम बड़े मेहमान नवाज ने, इन्होंने जल्दी दे नाल वच्छा ज़िबा कीता, उनका गोश्त सालन पकाया, भुन के खाना मेहमाना दे सामने रख दिता है। ते लेकिन मेहमान खाना नहीं खा रहा। हज़रत इब्राहीम डर जाते ने कि किधरे कोई नुकसान पहुँचाने वाले डाकू ना होन। जदू फरिश्तिया ने हज़रत इब्राहीम नू वेखिया, फिर फरमाते ने फलम्मा रा अईदिया गुम लाता सिलू इलैहि नकिरा गुम व औजस मिनहुम खीफा। इब्राहीम डरन की जरूरत कोई नहीं। कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौमे लूत। आंदने इब्राहीम डरन की जरूरत नहीं, असी नूरियाँ ते नूरी खाना खांदे, नूरी खाना खांदे, नूर खाना खांदा। असी नूरियाँ बशर नहीं, असी खाना नहीं खांदे, असी ते तुहाडे कोल तुहाडे बेटे दे इसहाक दी खुशखबरी लैके आए हां, और कौमे लूत वल अजाब अल्लाह दा अजाब लैके आए हां। हुण जदू बेटे दी खुशखबरी सुनाई, माई सारा दरवाजे दे ओले होके ये गुफ्तगू सुन रही सी। जदू बेटे दी खुशखबरी सुनी ना, सिर्फ बेटे की खुशखबरी नहीं, फरमाया वमीम वरा इसहाका याकूब, इब्राहीम अल्लाह तैनू बेटा देगा, ओदा नाम इसहाक होएगा, वो जवान होएगा, ओदी शादी होएगी, फिर अल्लाह पाक ओनू बेटा देगा, ओदा नाम याकूब होएगा। इब्राहीम तेरा बेटा इसहाक भी रब का नबी होएगा, तेरा पोता याकूब भी रब का नबी होएगा। गुफ्तगू सुन के ना आंदियां ने लो कर लो गल, जवानी वेले पुत्र होया नहीं, हंस पईयां। वमरातुहु काइमतुन फज़हिकत, आंदियां ने जवानी वेले पुत्र होया नहीं, हुण बुढ़े वरे पुत्र की खुशखबरी देन लैन लो कर लो गल। आंदियां ने मैं मेरा खावत बिल्कुल ज़ईफ बुढ़ा हो चुके है, मैं बांझ हो चुकी हाँ, मेरी उम्र 70 साल तो भी उत्ते जा चुकी है, मैं औलाद दे काबल नहीं रही। ये बेटे की खुशखबरी सुना रहे ने। फरिश्तिया ने जदू ये गल सुनी तो फरिश्ते की आंदे ने कालू अताजबीना मिन अमरिल्लाह। इब्राहीम दे घर वाले हो, क्या तुसी अल्लाह दे हुक्मां ते ताजब कर रहे हो, अल्लाह दे अमर ते तुसी ताजब कर रहे हो? नहीं नहीं, अल्लाह ते खालक मालक हर चीज़ दा, अल्लाह हाजत रवा मुश्किल कुशा, वो पूरी कायनात दा कंट्रोलर है, ओदे अगे कोई मुश्किल नहीं, वो जदू चावे बेटा अता करे, ओदे अगे कोई मुश्किल वो अगर चाहे तो बगैर बाप दे बेटा अता कर दे, उनकी ये कुदरत है। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरी बंदी सारा, तू मेरे पैगंबर मेरे नबी इब्राहीम नाल नेकी कीती ते निकाह उंदा कर दिता हाजरा दे नाल, मैं अपने नबी नू बुढ़े वरे बेटा दिता ते तू मेरे नबी दे नाल नेकी कीती है, जा तैनू एदे बदले बुढ़े वरे असी तैनू भी बेटा अता कर देंगे। हल जज़ा उल एहसानी इल्लल एहसान, नेकी दा बदला नेकी ही होया करदा। और कदी कदी ना अगर कोई बंदा तोड़े नाल नेकी करे ते नेकी दी लाज भी रखिया करो,
नेकी जड़ी फरामोश ना करया करो, नेकी नू याद रखया करो। ये मेरे नबी दी सुन्नत। किस तरह अल्लाह दे पाक पैगंबर एक बार एक दिन ताइफ दे अंदर तशरीफ लै गए, उत्थे जाके तबलीग की, ताइफ वालिया ने कोई अच्छा सलूक ना किया। अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज खून के अंदर लथ पथ वापस मक्के वल आ रहे ने। इधर मक्के दे जड़े सरदार ने सारिया ने मीटिंग की है कि मुहम्मद नू मक्के नहीं दाखिल होन देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीटिंग हो गई है कि मुहम्मद नू मक्के नहीं दाखिल होन देना। लेकिन इन्हां दे अंदर एक सरदार मुतअम बिन अदी बहुत बड़ा सरदार सी मक्के दा, है काफर सी लेकिन असूल पसंद बंदा सी। इनू जदू पता चलता कि मक्के दे सरदारा ने मुहम्मद नू मक्के दाखिल होन तो रोक दिता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह लग्या कमाल है, मुहम्मद मक्के दा शहरी है, एदा दादा पड़दादा मक्के दे रहन वाले, ए खानदान जेड़ा ए बैतुल्ला दा मतवली खानदान, ये शरीफ ते नेक खानदान, इन्हां दी जुरत किवें होई है, ये किहड़े कानून दे नाल मुहम्मद नू मक्के दाखिल होन तो रोक सकते ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने पुत्रां ते भतीजियां नूं आखिया इंज करो तलवारां कढ़ लवो, आओ मेरे नाल चलो। ये अपने जनाब भतीजियां नूं पुत्रां नूं लै के ये मक्कियों बाहर आया, अल्लाह दे पाक पैगंबर दा हाथ फड़िया और आप नूं मक्के चौक दे अंदर लै आंदा है। आंदा ओ मक्के वाले ओ सुन लवो, मैं मुहम्मद नूं पनाह दित्ती है, अगर अज तो बाद कोई भी मुहम्मद वल उंगली करेगा तो मैं उंदी उंगली कट देंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण वेखो है काफर लेकिन अल्लाह दे नबी दे नाल इहने नेकी कीती, ते अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इहदी नेकी नूं याद रखिया। किस तरह जदों जंगे बदर होई ना, मक्के वाले काफ़ी लोग जिहड़े कैदी बन गए, ते हुण मक्के वाले मदीने जाके फिदिया दे के अपने कैदियों नूं छुड़ा रहे ने। इधर जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अनहु अजे मुसलमान नहीं हुए, जुबैर बिन मुतअम मुतअम बिन अदी दे बेटे जुबैर बिन मुतअम ए भी मदीने पहुँचे, जाके आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दो गुलाम तुहाडी कैद दे अंदर ने, दसो उन्हां दा फिदिया किन्ना बनदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जदों सुनिया आप दी अखां दे अंदर आंसू आ गए, फरमाया जुबैर तेरे बाप मुतम ने मक्के दे अंदर जेड़ी ओ मेरे नाल नेकी कीती सी मैनू ओ नेकी अज भी याद है, ओ नेकी मैनू अज भी याद है। ठीक है तू मेरा मोहसन नहीं लेकिन मेरे मोहसन दा बेटा ते है वे ना, तेरे बाप ने नेकी कीती, ऐ जुबैर सुन ले, अगर तेरा बाप मुतअम अज जिंदा हुंदा आके अगर कह देंदा के सारे कैदी छड़ देओ, मैनू कसम पैदा करन वाले दी मैं तेरे बाप दे कहन ते बगैर फिदिये दे सारे कैदी आजाद कर छड़दा। आ तेरे दो कैदी ने ना, ले जा कोई फिदिया नहीं। इस वास्ते कोई बंदा नेकी करे तो नेकी याद रखिया करो, एहसान फरामोश ना बनया करो, एहसान फरामोश अल्लाह नू पसंद कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। और कदी कदी जड़ी नेकी है ना ये वड़के करते ने ते कम अगे उलादे आ जाती। अल्लाहु अकबर। किस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो दा दौरे खिलाफत है। हजरत उमर एक दिन बाजार दे अंदर जा रहे ने साथियों दे नाल, अगे एक माई आ जाती है, आंदी अमीरुल मोमिनीन मैं बेवा औरत हाँ, मैं खिफाफ बिन ऐमा गफारी दी बेटी हाँ, मैं बेवा वा, मेरा खावन फौत हो चुके है, ये छोटियां छोटियां बच्चियां ने, जमीन कोई नहीं के काश्तकारी कर लवा, कोई जानवर कोई नहीं के उनका दुध वेच के अपने
अपने बच्चियां दा पेट पाल लवा, मेरे नाल कोई तावन करो। ये सुन के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहो ते रिक्कत तारी हो गई, फौरन वापस गए। बैतुल माल दे अंदर एक चंगा मोटा ताज़ा उच्चा लम्मा तगड़ा उठ फड़े है, वो जनाब उस ते गल्ला लदे है, कपड़े लदे ने, बाकी जरूरत दियां चीज़ां लदियां ने। ए समान दा लदया लदाया उठ ले आगे, इस बेवा औरत दे हाथ ओंदी नकेल फड़ा दिती है। हजरत उमर फरमांदे ने बीबी लै जा अपने बच्चिया ते खर्च कर, ए हजे मुकेगा नहीं, अल्लाह होर अता कर देवेगा। ओ माई चली गई, साथी कहन लगे अमीरुल मोमिनीन एक बेवा औरत सी, उन्हें सवाल किया कोई थोड़ा जिहा तावन कर देंदे, तुसी इन्ना कुछ दे दिता। हजरत उमर फरमाते ने तुसी इस बीबी नू पहचानिया ही नहीं, इन्हें तारफ नहीं करवाया कि मैं खिफा बिन अयमा गफारी की बेटी हाँ, एदा बाप ओए तुहानू याद नहीं, वह फलां जड़ी फलां किला फतह नहीं सी हो रहा फलां जंग के अंदर, तो इस औरत दा बाप ते भाई सब तू पहला किले पहुँचे, दुश्मन नू अपने वल मतवजे किया, इस्लामी फौज अजे पिछे सी, उन्हां दोवां ने सारी फौज नू अपने वल मतवजे किया, बाद के अंदर इस्लामी फौज पहुँची, अल्लाह पाक ने फतह अता कर दी। वो दोवें बाप बेटा उस जंग के अंदर शहीद तो हो गए, लेकिन सानू फतह उन्हां दोवां बाप बेटे की वजह तो मिली। उहदे बाप ने एडा वड्डा काम किया ते मैं उहदी बेटी की कदर ही ना करा। कदी कदी माँ प्यो नेकी करे ते अगे वह नेकी काम औलाद दे आ जाया कर दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, अल्लाह अकबर कबीरा, आओ जरा अगे यकम मुहर्रम नू हजरत उमर की शहादत है। अद्धी दुनिया के हाकम 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, उन्होंने अजमत से मैं चंद शेर पढ़ना चाहना, जरा तवज्जो करे जे। अल्लाह अकबर कबीर। उमर हजूर दी दुआवां दा जवाब, उमर हजूर दी दुआवां दा जवाब, उमर हजूर दी दुआवां दा जवाब, उमर नु खुद आप मंगे आ जनाब, उमर नु खुद आप मंगे आ जनाब, दीने इस्लाम दे अरूज ते शबाब लई, दीने इस्लाम दे अरूज ते शबाब लई, रब दी पसंद विच इब्ने खताब, रब दी पसंद विच इब्ने खताब, रब दी पसंद विच इब्ने खताब, उमर अमीर रोशन जमीर, उमर अमीर रोशन जमीर, उमर ते लोगो पीरे अली दा भी पीर, उमर ते लोगो पीरे अली दा भी पीर, ओ उमर दे नाम तू डर दियां कुफर दियां कुल जाता, उमर उमर हे उमर उमर दिया क्या बातां, उमर उमर हे उमर उमर दिया क्या बातां, उमर अमीरे रोशन जमीरे, उमर ते लोगो पीरे अली दा भी पीरे, ओ उमर दे नाम दा नावा कुफर ते भारिये, उमर नू जान सुजान दी खलकत सारीए, उमर नू जान सुजान दी खलकत सारी है, ओ उमर नू नहीं पहचाने या काले या खंडरा तां, उमर उमर हे उमर उमर दिया क्या बातां, उमर उमर हे उमर उमर दिया क्या बातां, ओ पुत्र हलाली मावां दे जान फिदा कर दे, उमर दी चंगियां नस्लां वाले हया कर देन, उमर दा चंगियां नस्लां वाले हया कर देन, ओ उमर नू नहीं पहचाने या कालिया खंडरा तां, उमर उमर घे उमर उमर दियां क्या बातां, उमर उमर घे उमर उमर दियां क्या बातां, ओ काबे नू आज़ाद करावे पीर उमर, हबशी बांग सुनावे अल्लाहू अकबर,
काबे नू आजाद करावे पीर उमर हबशी बांग सुनावे अल्लाहु अकबर हबशी बांग सुनावे अल्लाहु अकबर ओ कुफर नू लगियां मौत दिया हन सकरातां उमर उमर हे उमर उमर दिया क्या बातां उमर उमर हे उमर उमर दिया क्या बातां ओ इब्ने खताब जो बोलन लई लब खोल दाए बन वेंदे कुरान उमर जो बोल दाए बन वेंदे कुरान उमर जो बोल दाए ओ खोल बुखारी मुसलम तिरमजी मिशकाता उमर उमर घे उमर उमर दिया क्या बातां उमर उमर घे उमर उमर दिया क्या बातां अजीज दोस्तों ए जड़ा मिसरा ए गौर न सुनिया जे अल्लाहु अकबर ओ रोक सफर होया हुक्म गुलाम नु जारिए उठ ते बह जा पैदल मेरी वारी ए उठ ते बह जा पैदल मेरी वारी ए पैरी पै गए पैरी पै गए राहिब पढ़ के तोरा तां उमर उमर घे उमर उमर दिया क्या बातां ओ उमर दे पीछे पढ़िया नमाजा पीर अली उमर दे पीछे पढ़िया नमाजा पीर अली इबने सबा दी गर्म हवा बहु बाद चली इबने सबा दी गर्म हवा बहु बाद चली ओ जिस विच आईया कुफर दी कालियां स्यारा तां उमर उमर घे उमर उमर दिया क्या बातां उमर उमर घे उमर उमर दिया क्या बातां अजीज़ दोस्तों आज दी तकरीर दा लुबे लुबाबे वे के अल्लाह पाक ने सानू पैदा कीता ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां कमा लिए कर लिए क्योंकि नेकी एक ऐसा शजर है कि जिसनों लगांदा कोई बंदा है फिर वो तना आवर दरख्त बनता है फिर आन वालियां नस्लां उंदी छां ते बहिंदियां ने उस तो फायदा हासिल कर दियां ने इस वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक सानू सब नू ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां करन दी तौफीक अता फरमाए वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला البلاغ المبين